हमारी सरकार ने, वसुंधरा जी की विशेष तौर सरकार ने इस संबंध में काफ़ी कुछ अभी कहा है। वन विभाग के साथ हमारे पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारा इलाका जो जिस तरह सीमावर्ती इलाका है और वहाँ बरसात की कमी होती है और उसी समय हमारे ये अगर पर्यावरण के हिसाब से ये जो पौधारोपण ज़्यादा में ज़्यादा हो तो वहाँ हमारा इलाका हरा भरा हो करके और उसकी ये शुद्धिकरण जो है इलाके में हो सकता है और इसलिए से हम भी कोशिश है, हम भी इस संदर्भ में काफ़ी कुछ प्रयासरत है और अभी भी हमारे हालांकि हमारा दुर्भाग्य है कि इस साल हमारे वहाँ इलाके में बरसात नहीं है, इस वजह से हमें बहुत बड़ी बेहतरी जरूरत है कि वहाँ ये पौधारोपण हो। यह कल्पतरु संस्थान जो है एक धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने बहुत बड़ा अच्छा बीड़ा उठाया है, ये हमारे मानव प्राणी के लिए और वन प्राणी के लिए सबके लिए ये एक अच्छा पहल है और हम देखते हैं कि हमारा जीवन जो सा शुरू से आदिकाल से या प्राचीन काल से या जिस तरह से हमारे वैदिक युग से भी हमारा इसके साथ जुड़े हमारे प्राणों में ग्रंथों में भी हमको वन औषधियाँ या हमारे आयुर्वेदिक पूरी सिस्टम जो प्रणाली पे ये वनों पे और जड़ी बूटियाँ जो हमारे जंगलात में या पहाड़ों में या जो भी मिलती है उससे हमारे मानव जीवन का जो है काया बदल सकती है, ये अगर हम साथ में चले तो बहुत साधुवाद के पात्र है। इस हिसाब से वो तो हम मना इसके लिए अपनी ओर से जितना भी योगदान होगा वो हम देने के लिए। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं तरुण राय जी से मिली और कल्पतरु से जुड़ी, कल्पतरु ने मुझे इस लाइक समझा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने मुंबई में बहुत सारी बड़ी हस्तियों से इसका नाम सुना था कल्पतरु का कि कल्पतरु बहुत अच्छी एक संस्थान है और कल्पतरु एक पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं हमेशा चाहूँगी कि कल्पतरु ऐसे ही काम करता रहे, ग्रीन बनाए, ऑल भारत में काम करे, ऑल ओवर इंडिया काम करे, ग्रीन बनाए, क्लीन बनाए इंडिया को, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। कल्पतरु हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।